हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीषा फैमिली चैनल। आज हम आपको बताएंगे ब्रेड से बने रसगुल्ले। रसगुल्ले तो आपने छेने वाले भी खाए होंगे, लेकिन एक बार ये बनाकर खाना बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। तो चलिए चलते हैं बनाने। रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये ब्रेड। मैंने 5 ब्रेड लिए हैं। ब्रेड आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कोई से भी ले सकते हैं। अब मैं इन ब्रेड को साइड से कट कर लूंगी। ये देखो मैंने सारे पीसेस कट कर लिए। अब मैंने साइड के हटा दूंगी। इनका मैं ब्रेड क्रम्ब बना के किसी और डिश में यूज कर लूंगी। अब मैं ये बीच के हिस्से लूंगी और इन्हें रफली तोड़ लूंगी। ये देखो तोड़ लिए मैंने ये सब। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दूध। दूध आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने आधी कटोरी मलाई वाला दूध यूज किया है। अब पहले मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी। दूध को एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। दूध डालकर मैं इसका नॉर्मल डो बना लूंगी। दूध की क्वांटिटी इसकी डो बनाने के ऊपर है। जितना ब्रेड सोख लेंगे दूध को उतना ही डालना है। कोई फिक्स नहीं है कि 1 कप या 2 कप। ये देखो मैंने थोड़ा सा दूध डाला था, उससे ही डो बन गया। अब ये सूखा है, मैं थोड़ा दूध और ऐड कर लूंगी। अब मैं इसे मसल कर सॉफ्ट डो बना लूंगी। ये इजीली बन जाता है। ये देखो ये सॉफ्ट डो बन गया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। जब तक ये सेट होता है तब तक हम अपनी चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया एक पैन। गैस ऑन करके पैन गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी चीनी। 1 कटोरी चीनी में 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। जिस बर्तन से आप चीनी लोगे उसका डबल पानी डालना है। कप से लो या कटोरी से लो, मैंने कटोरी से लिया है तो 2 कटोरी पानी डालूंगी और इसे चलाती हुई 2 मिनट तक पकाऊंगी। जब तक चीनी पानी में घुल ना जाए तब तक पकाना है। कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। ये देखो चीनी घुलने लग गई है।
ये देखो चीनी अच्छी तरह घुल गई है। अब मैं इसे स्लो गैस में पकने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक हम अपने डो को देखते हैं। ये देखो ये अच्छी तरह सेट हो गया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने चीनी को पीस लिया था, आप चाहे तो बूरा या खांड भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने 2 चम्मच शुगर ऐड किए। इसे दोबारा से अच्छे से मसल कर डो बना लेंगे। ये देखो हमारा डो रेडी है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। रसगुल्लों का साइज आप अपने अनुसार बना सकते हैं, बड़े पसंद है तो बड़े, छोटे पसंद है तो छोटे। ये देखो मैंने सारी गोलियां बना ली है। अब हम इन्हें पकाएंगे। हम अपनी चाशनी देखते हैं, हमारी चाशनी रेडी है। ये देखो चाशनी, मैंने कोई तार की चाशनी नहीं बनाई है। अब मैं एक एक करके सारे रसगुल्ले इसमें डाल दूंगी। मैंने सारे रसगुल्ले डाल दिए। अब इन्हें हल्का सा चला देंगे। अब पलट कर स्लो टू मीडियम गैस के फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। मैं इन्हें 2 मिनट ढककर पका दूंगी ताकि अच्छे से पक जाए। दो मिनट हो गए, अब देखते हैं। देखो हमारे रसगुल्ले पकने लगे हैं, ये ऑलमोस्ट पक गए हैं। अब मैंने 2 मिनट और पकाऊंगे। ये बहुत ही जल्दी बनने वाले रसगुल्ले हैं। जब कोई गेस्ट आ जाए तो झटपट रसगुल्ले बना दीजिए और दे दीजिए। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए दोबारा ढक दूंगी। ये देखो 2 मिनट बाद ये अच्छे से पक गए हैं, हमारे रसगुल्ले रेडी हैं। ये देखो कितने अच्छे रसगुल्ले बने हैं। अब गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और हम इन्हें पलट लेंगे। ये देखो मैंने एक बाउल में पलट लिए हैं। देखो गाइस कितने अच्छे रसगुल्ले, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। जैसे देखने में अच्छे लग रहे हैं ऐसे खाने में भी टेस्टी हैं। अब जैसा आपका मन करे गरम गरम या ठंडा करके आप खा सकते हैं। ये ठंडे ही अच्छे लगते हैं, हम सर्व करते हैं। ये देखो मैंने सर्व कर लिए। इनके ऊपर थोड़ी सी चाशनी डाल दूंगी। और देखो गाइस ये अंदर से भी कितने स्पंजी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैं कट करके दिखाती हूँ, ये सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये देखो ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। तो बताओ गाइज कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। अगर कोई कमी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटी का बटन ज़रूर दबाना ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।